हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की म्यूचुअल फंड क्यों ने वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने बहुत टाइप के क्वेश्चन को पिक किया है। और लास्ट वीडियो मैंने टर्म प्लान के ऊपर भी बताया था, उसके अंदर बहुत सारे मुझे क्वेश्चन रिसीव हुए हैं टर्म प्लान को लेकर के। वो सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। साथ में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी तरफ से, जिसका मैं रिप्लाई वीडियो के अंदर करने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको अच्छी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तभी फंड गुरुजी की हर वीडियो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के ऊपर मिल पाएगी। तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है राम जी कुमार जी की तरफ से। तो राम जी ने यहां पर पूछा है, कौन ऐप से म्यूचुअल फंड निवेश करना ठीक होगा सर जी? तो यहां पर म्यूचुअल फंड में अगर आप एप्लीकेशन के द्वारा निवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप यह कोशिश करिए कि जिस म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं उनका खुद का एप्लीकेशन है या नहीं है। अगर आप SBI के साथ में कर रहे हैं, उनका यहां पर एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर DSP का भी एप्लीकेशन आ चुका है, और यहां पर कई सारे म्यूचुअल फंड हैं जिनके एप्लीकेशन ऑलरेडी प्ले स्टोर में हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको जो है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के सामने जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप जाना चाहते हो तो देख लीजिए। यहां पर जो है आप इसके साथ में जा सकते हैं, जेरोधा कॉइन के साथ में जा सकते हैं, ग्रो के साथ में जा सकते हैं। ये दो तीन प्लेटफॉर्म मुझे ठीक लगते हैं, तो इनके साथ में आप जा सकते हैं। चलिए लेते हैं आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहां पर शुभम जी की तरफ से। इन्होंने मुझसे पूछा है, इज इट सेफ टू इन्वेस्ट 60% ऑफ सेविंग इन म्यूचुअल फंड? यानी कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो क्या 60 रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही होगा? मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया रेशियो है। 40% आप अपने लिक्विड फंड में रख सकते हैं, या फिर अपने खर्चे के लिए सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, और 60% बहुत ही कमाल का रेशियो है, आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो 80% अपना कमाई का हिस्सा म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो जो जैसा रिस्क लेगा वैसा उसका पैसा बनेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर रिस्क भी बहुत बड़ा होता है। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नीतीश जी की तरफ से। सर, क्या जरोधा की तरह करवी भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती है? प्लीज आंसर सर। तो यहाँ पर करवी भी आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती है। आप खुद सोचिए, आजकल जो रेगुलर प्रोवाइड करेगा ना, उसके पास कोई भी नहीं जाएगा। तो सारे म्यूचुअल फंड के जितने भी ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जिनके आप हमेशा कमेंट्स में नाम लेते रहते हो ना, इन सब ने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड देना शुरू कर दिया है। कुछ लोग जो है चोरी छुपे छोटे मोटे कमीशन वगैरह ले लेते हैं, बहुत ही माइनर से होते हैं, वो ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तो बिल्कुल फ्री कर दिया है। वो अभी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ी देर बने रहिएगा। लेते हैं आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है सूरज जी की तरफ से। टेल मी हाउ इज माई पोर्टफोलियो? तो यहां पर इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के बारे में पूछा है। ये प्लान थोड़े से ठीक ठाक लगे, और भी लोगों के हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने पिक किया है। यहां पे 1000 रुपीज की SBI स्मॉल कैप लिया है, तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे बढ़िया फंड में से एक है। जी हाँ, अगर 5 फंड बेस्ट मैं बोलूं तो उनमें ये भी आएगा। जी हाँ, यहां पर अगला जो है ये SBI का ब्लू चिप ले रखे हैं। यहां पर SBI का ब्लू चिप भी ठीक ठाक है, और भी दूसरे ये देख सकते थे। यहां पर बात कर ले अगर दूसरे फंड की, तो यहां पर 1000 रुपीज का इन्होंने कोटेक्स सेलेक्ट मल्टीकैप फंड लिया है। तो इन्होंने ये अपने आइडिया से यहां पर इन्होंने SIP करी है। अगर आपका टैक्स कटता है तो एक टैक्स सेवर फंड भी आप इसके अंदर ले लीजिए, आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने ले लिया है SBI का ब्लू चिप तो रहने दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी और के साथ में भी जा सकते हैं। कुछ टाइम से इसका रिटर्न खराब रहा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले टाइम में इसका रिटर्न बढ़िया नहीं होगा। तो ऐसा नेगेटिव मैसेज मत लीजिए कि SBI ब्लू चिप खराब है। SBI ब्लू चिप खराब नहीं है, लेकिन हाँ पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा सा परफॉर्मेंस अदर लार्ज कैप के मुकाबले कम रही है। इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आप कोई नया शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए अदर कोई और ऑप्शन है। जी हाँ, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा बेस्ट लार्ज कैप की, 1-2 दिन के अंदर आपको बनाकर देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। यहां पर अगला क्वेश्चन आया है यहां पर अमिया मंडल जी की तरफ से। तो यहां पर इन्होंने मुझसे पूछा है कि टर्म प्लान में मनी क्या ईयरली डालना पड़ता है? प्लीज गिव आवर ए डिटेल वीडियो एंड प्लीज बोल देना क्लेम कैसे करूं। तो यहां पर इन्होंने मुझसे पूछा है कि टर्म प्लान में जो पैसे निवेश करते हैं क्या वो ईयरली करना पड़ता है? तो यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा, यहां पर 3 ऑप्शन हैं, मंथली कर लीजिए। यहां पर आपको बोलेंगे वो लोग कि मंथली करोगे आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ईयरली कर लो आपको जो है हम 30-40 हज़ार का डिस्काउंट भी दे देंगे जो सालाना आपका पैसा जमा होगा। आप कैलकुलेट मारेंगे कैलकुलेटर की, आपकी मान लीजिए 1000 रुपए की आपने टर्म प्लान ले लिया 50 या 60 लाख रुपए के लिए, तो यहां पर 12,000 रुपए वो आपको दिखाएंगे कि 12,000 रुपए आपका बन रहा है। वो बोलेंगे सर हम आपसे केवल जो है 10,000 रुपए लेंगे साल के, आपके 2,000 रुपए डिस्काउंट हो जाते हैं अगर आप एक साथ दे देते हैं। लेकिन इसका एक कोन है, बहुत बड़ा कोन क्या है, अगर आप डायरेक्ट देते हैं, मान लीजिए मैं हूं राम, मेरे बगल में बैठा है श्याम, मैंने लिया मंथली और मेरे श्याम ने लिया क्या है ईयरली,
और हम दोनों बाइक पे जा रहे हैं। जी हाँ, हम दोनों बाइक राइडिंग कर रहे हैं। हम दोनों ने यहाँ पर 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है। हम इसने जो है 12,000 रुपये पे कर दिए हैं एक साथ 1 ईयर का, और मैंने जो है 1,000 पे किए हैं। मेरा भी इंश्योरेंस पेमेंट करने के फर्स्ट दिन से शुरू होगा, और शाम का भी जो इंश्योरेंस है वो फर्स्ट डे से शुरू होगा। तो यहाँ पर हम दोनों बाइक से जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता, हम दोनों मर जाते हैं, और हमारी फैमिली को यहाँ पर 1 करोड़ के लिए क्लेम करने जाते हैं। तो आप बताइए अभी किसको फ़ायदा हुआ? फ़ायदा मुझे हुआ। क्यों? मैंने केवल 1,000 रुपये दिया था और मेरा टर्म प्लान स्टार्ट हो चुका था, लेकिन बीच में मेरी मृत्यु हो गई, मेरे 11,000 रुपये बच गए मेरे अकाउंट से जाने के लिए, जो ऑटोमेटिक कटने वाले थे वो नहीं कटे। लेकिन यहाँ शाम के ऑलरेडी 12,000 रुपये कट चुके हैं, उसको भी 1 करोड़ मिला, मुझे भी 1 करोड़ मिला। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको मंथली जो करेंगे वो ज़्यादा बेटर होता है। और यहाँ पर रही बात क्लेम की, तो क्लेम के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे हम राम श्याम दोनों मर गए, हमारा जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट लेकर के जिसको आपने नॉमिनी बनाया है उनका पैन कार्ड आधार कार्ड लेकर के आपने जो इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे आपने एग्जांपल के लिए HDFC लाइफ लिया, एग्जांपल के लिए अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, रिकमेंड के ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी, चिंता मत करिए जल्दी आएगी। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए HDFC का आपने लिया है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपकी वाइफ या फिर वाइफ का कोई साथ में पढ़ा लिखा है, अगर वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो आप ऐसा कर सकते किसी और को ले लीजिए साथ में, ताकि उनको गाइड कर सके, बता सके सारी चीज़ें। तो वहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के नॉमिनी वहाँ जाएगी, प्रूफ करेगी कि मैं ही नॉमिनी हूँ, मैं इनकी वाइफ हूँ, मुझे ये पैसे मिलने चाहिए। तो उनके बैंक अकाउंट में वो सारे जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो टैक्स फ्री बिल्कुल आपको फर्स्ट क्लास आपके उनके अकाउंट में मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से क्लेम होता है। ओके, आई होप आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया होगा। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राजा जी की तरफ से। राजा जी ने पूछा है, वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज लमसम फॉर 6 मंथ टाइम पीरियड, सजेस्ट मी विच म्यूचुअल फंड, विच फंड हैव टू इन्वेस्ट इन। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब है, इनके पास 1 लाख रुपये है, 6 महीने के लिए निवेश करना चाहते हैं, फंड मुझसे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर फंड जो है, मैंने ऑलरेडी फंड के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग चैनल को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे आपके काम आने की बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। तो यहाँ पर आपके लिए कोई भी फंड, मैं इक्विटी का कोई भी फंड रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पर आपको, ना मल्टी कैप, ना लार्ज कैप, ना मिड कैप। यहाँ पर बैलेंस फंड भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बैलेंस फंड में भी आपको थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो यू शुड नॉट गो विद द बैलेंस फंड, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, आई थिंक यू शुड गो विद द लिक्विड फंड एंड डेथ फंड। तो आपको जो है केवल यहाँ पर लिक्विड फंड या डेथ फंड के ऊपर कंसिडर करना चाहिए। ये जो फंड होते हैं ये ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड में निवेश करते हैं, दैट्स व्हाई इनका जो रिटर्न होता है वो स्टेबल होता है और फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा सा ऊपर होता है। और आपके पास टाइम थोड़ा सा है तो शॉर्ट टर्म जो फंड होते हैं उनके अंदर आपको निवेश करना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। लेते हैं यहां पे अगला कमेंट्स आया है यहां पे सूर्या जी की तरफ से। सूर्या प्रताप सिंह जी मुझसे पूछते हैं L&T के ऊपर। अच्छा, यहां पर मैं जब भी अपने कमेंट्स चेक करता हूं ना Q&A के लिए, क्वेश्चन लेने के लिए, तो वहां पर L&T इमर्जिंग बिजनेस को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे देखने के लिए मिलते हैं। मैं जानता हूं आप L&T म्यूचुअल फंड का ये जो प्लान है ना, L&T इमर्जिंग बिजनेस, इसको लेकर के शुरू में बड़ा ही आप पॉजिटिव वेव बना रहे थे इसका रिटर्न को देख करके, लेकिन अभी ये थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, तो आपको थोड़ी सी हड़बड़ी हो रही होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्लस में क्यों नहीं है। तो इसके ऊपर भी एक रिव्यू वीडियो में लेकर आऊंगा जिससे आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। लेकिन अभी एक शॉर्ट रिव्यू मैं देता हूं कि L&T इमर्जिंग बिजनेस पे इन्होंने जो है जो SIP करी थी वो 5,000 की करी थी, इन्होंने जो है 1.5 यानी 1.5 साल पीछे करी थी, और यहां पर इन्होंने हमेशा लॉस में ही रहता है ऐसा बोल रहे हैं। स्विच और स्टे, तो ये मुझसे जानना चाहते हैं स्विच कर ले मतलब दूसरे प्लान में चले जाएं या फिर स्टे करें। तो यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि L&T इमर्जिंग बिजनेस, इमर्जिंग पता है क्या होता है, छोटी छोटी कंपनियों में निवेश करता है। जी हां, यहां पर स्मॉल कैप के बराबर, उससे भी कह लीजिए छोटी छोटी कंपनियों में यह निवेश करता है। इस टाइप के फंड के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है कि एक भयंकर वाला, बहुत बेहतरीन वाला रिटर्न देने की कैपेसिटी होती है, लेकिन जब मार्केट टूटती है ना तो ये सबसे ज्यादा नीचे आपको दिखेंगे। अगर एक मिड कैप एग्जाम्पल के लिए 10% टूटेगा ना, तो L&T एमर्जिंग बिजनेस जैसे जितने भी फंड है ना, ये 18-18, 20-20% टूटेगा। जी हाँ, यहाँ पर एक लार्ज कैप अगर 5% टूटेगा ना, तो ये 18-18, 19-19% टूटेगा, तो इतना बड़ा फर्क आएगा। लेकिन जब ये चढ़ेगा ना तो रिटर्न भी बहुत कमाल का आपको देगा। जी हाँ, यहाँ पर रिकवरी भी इसमें बहुत फास्ट आपको देखने के लिए मिलेगी और लॉस भी बहुत फास्ट देखने के लिए मिलेगा। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फंड है, हमेशा बोला है, जितनी वीडियो उठाकर देखेंगे हमेशा बोला है। अब आप इस चीज़ को समझ क्यों नहीं पा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या तो अब मेरे समझाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं।
इस टाइप के फंड में तभी जाना है जब बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं आप, आपको नहीं फर्क पड़ता है छोटे मोटे उतार चढ़ाव से, आपको आपका टारगेट है 15 से 20 साल, इस टाइप के फंड ले लीजिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले आपको रिटर्न देंगे। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात जरूर करिएगा क्या मुझे जाना चाहिए, लेकिन ये फंड आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला है इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। और मेरे ख्याल से 1 से 2 साल के अंदर किसी भी फंड को जज नहीं किया जा सकता, यहां पर आपको 1 से 1.5 साल और देके देख लो, और यहां पर मैं दावे के साथ बोलता हूं कि 1-1.5 साल के अंदर, आने वाले 1-1.5 साल के अंदर यहां पर ये जो लॉस आपको दिखा रहा है ना, ये आपको प्लस में दिखेगा, और इसके जो साथ के दूसरे फंड है ना उसकी उससे ऊपर निकलता हुआ आपको दिखेगा, फिर आप बोलेंगे यार ये तो पॉजिटिव होता चला जा रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। लेते हैं आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहां पर चाणक्य कुमार जी की तरफ से, ये मुझसे पूछते सर अगर बाइक राइडर नहीं लिया तो क्या क्लेम सेटलमेंट नहीं होगा, इन्होंने टर्म प्लान वाले वीडियो के नीचे कमेंट्स किया था, तो टर्म प्लान के ऊपर पूछ रहे हैं। यहां पर राइडर के लिए एक अलग से वहां पर एक ऑप्शन होता है कि राइडर वाला ऑप्शन ले लीजिए, तो वहां पर आपको बेनिफिट क्या होता है थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, टर्म प्लान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैजुअलिटी हो जाए आपकी तो फैमिली के लिए सपोर्ट होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको, और प्लीज एक टर्म प्लान आप लोग जरूर लीजिएगा, ओके। यहां पर अभी सुन लीजिए कि अगर आप बाइक राइडर वाला जो ऑप्शन होता है वो स्किप कर देते तो होगा क्या, क्या आप बाइक चला रहे हैं एक्सीडेंट हो गया आपकी आपकी डेथ हो गई तो आपकी फैमिली को पैसे नहीं मिलेंगे, गलत बात है, बिल्कुल आपको पैसे मिलेंगे। बट यहां पर एक ये फीचर है कि आप अगर आप बाइक राइडिंग ज्यादा करते, कई लोग होते हैं ना बाइकिंग के बहुत शौकीन होते हैं, मैं भी बड़ा शौकीन हूं, मैं अभी प्लान कर रहा हूं निंजा 300 लेने की, आप में से कोई बाइक राइडर है तो प्लीज बताना मेरे को कि क्या निंजा 300 अच्छी है या फिर यहां पर R3 अच्छी है, कौन सी अच्छी है मुझे कमेंट्स करके बताना, आपकी ओपिनियन पे ही मैं बाइक खरीदूंगा, ओके। तो यहां पर अगर आप राइडर हैं, आपको लगता है कि यार मैं बाइक बहुत फास्ट चलाता हूँ, 200 की स्पीड में ले जाता हूँ, हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, या फिर आप स्टंटमैन हैं, तो यहाँ पर आपको राइडर वाली पॉलिसी में वो ऑप्शन लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं भी लेते तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, मान लीजिए आपने 60 लाख रुपए का टर्म प्लान लिया था और आपने एक राइडर वाला ऑप्शन एक्स्ट्रा लिया था, तो होगा क्या, वहां पर 60 लाख तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आपकी डेथ हुई है इस वजह से, लेकिन वहां पर राइडर वाला ऑप्शन लेने की वजह से आपको 30 से 35 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको यहां पर 150 से 200 रुपए या हो सकता है 300-400 रुपए मुझे चेक करना पड़ेगा, इतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यहां पर आपकी राइडिंग के दौरान अगर मृत्यु होती है, बाइक चलाते समय एक्सीडेंट होता है, वहां पर आपको 35-40 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले, तो आप राइडर वाला ऑप्शन चुन लीजिए, वरना स्किप कर दीजिए, मरने पर तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो क्लेम आपका हो जाएगा, क्लेम सेटलमेंट कहीं नहीं जा रहा है, ओके। लेते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहां पर हसमुख पटेल जी की तरफ से, हसमुख पटेल जी ने मुझसे पूछा था कि मेरे एक रिलेटिव हैं जो मुझसे बोल रहे थे कि सर मैं 10वीं पास हूं, क्या मैं ऐसा ले सकता हूं, उन्होंने कहीं कस्टमर केयर बात किया होगा, हसमुख जी ने किसी और की हेल्प करने के लिए ऐसा बोला, कि हसमुख जी ने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है जो 10वीं पास है, वो ये जानना चाहता है कि आप मैं टर्म प्लान ले सकता हूं। तो जी हाँ, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो आपकी इनकम को देख करके टर्म प्लान देते हैं, जैसे एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस करके है, ये टर्म प्लान आपको जो है एजुकेशन के बेसिस पे नहीं देगी, ये आपको देगी आपकी इनकम पे, अगर आप 4 लाख रुपए तक गेन करते हैं सालाना तो आपको देगी। लेकिन यहाँ पर मैंने जितने भी यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस वाली कंपनी है ना, आज दिन भर मैंने कुछ नहीं किया है, इसी के ऊपर प्रिपेयर किया है कि कैसे आपको सही इन्फॉर्मेशन निकाल के दूं, तो आज मैंने कंटिन्यू उनको कॉल किया है और पता लगाया है, तो वहाँ पर ये बात निकल के सामने आई है कि अगर आप 10th पास हैं तो आप टर्म प्लान नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन की कितनी वैल्यू होती है, वो मुझे पूछ रहे थे आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, तो मैंने उनको बोला भाई मैं खुद एक कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ, मुझे मेरे सब्सक्राइबर के लिए आंसर चाहिए, प्लीज़ सही सही बताइए। तो उन्होंने यही बताया कि आप अपनी ऑडियंस को बोलिएगा कि अगर वो 10th पास हैं तो वो टर्म प्लान नहीं ले सकते हैं। यहां पर फिर मैंने पॉलिसी बाजार को लगाया, पॉलिसी बाजार पर आपको हर टर्म प्लान की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो पता लगा सकते हैं कि किस टर्म प्लान कंपनी के पास में ये फीचर है कि अगर 10th पास नहीं है तो वो प्लान को ले सकते हैं। तो एक्साइड लाइफ करके उन्होंने बताया है, उसके अंदर आप अगर 10th पास हैं तो भी आप टर्म प्लान ले सकते हैं, लेकिन आपकी सालाना इनकम जो है यहां पर 4 लाख रुपए होने चाहिए। जी हां, तो ये है कुछ इनका फंडा, इनकी पॉलिसी जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। लेते हैं यहां पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है रितेश जी की तरफ से, रितेश जी मुझसे पूछते हैं सर एसटीपी सेम एएनसी के साथ में पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, एंड अभी ऑनलाइन ओटीएम की फैसिलिटी सभी एएमसी ने बंद हो गई है क्या? तो यहां पर दो क्वेश्चन हैं, दोनों का अलग अलग आंसर दूंगा। तो यहां पर इन्होंने मुझसे पूछा है कि जो एसटीपी होता है, एसटीपी क्या होता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ये एक टाइप की एसआईपी मान लीजिए आप, एसआईपी बोले तो
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह आप इसको समझ लीजिए। होता कैसे है, SIP करते हैं आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए, लेकिन STP करते हैं आप सेम ASC। एग्जांपल के लिए मैं SBI के म्यूचुअल फंड के किसी प्लान में ऑलरेडी SIP कर रहा हूं, मेरे पास एक मोटी रकम आ जाती है, तो मैं क्या करूंगा, SBI के किसी लिक्विड फंड को, लिक्विड फंड में वो सारी मोटी रकम को डाल दूंगा, वहां से क्या करूंगा SBI के दूसरे प्लान में STP कर दूंगा। एग्जाम्पल के लिए आप 10,000 की SIP कर देते हो, आपके पास 1,00,000 पड़े हैं, तो 10 SIP STP की लिमिट वहां डाल दीजिए, आपकी वो STP चलती रहेगी, आपके एक प्लान से दूसरे प्लान में उठ करके जो पैसा जाता है उस वाले प्रोसेस को ही STP बोलते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान उसी को बोलते हैं। और आप ये सेम AMC के साथ में ही कर सकते हो, अगर आप L&T का म्यूचुअल फंड लिया हुआ है SBI में STP करना चाहते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल सर, तो यहाँ पर आपके पास SBI का है तो SBI टू SBI हो पाएगा, इफ यू हैव L&T म्यूचुअल फंड देन यू कांट डू दिस। सो मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं हो सकती है। ओके, यहाँ पर जो इन्होंने दूसरी चीज़ पूछी थी कि OTM क्या होता है, वन टाइम मैंडेट। अब वन टाइम मैंडेट क्या होता है, यहाँ पर ये नया नया फीचर आया है अभी एक साल से, इसमें हो क्या रहा है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वहां पर एक बार वेरिफिकेशन होती है, 1 रुपए कटते हैं, और वहां पर आपको वो जो बिलर ऐड करने की जो फैसिलिटी होती थी ना वो हटा दी गई है। बिलर ऐड करना एक झंझट होता था, फैसिलिटी तो नहीं बोल सकते, झंझट बोल सकते हैं, उनको सिंपल करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या किया, OTM लेकर सामने आया, वन टाइम मैंडेट। वो क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट से आपका म्यूचुअल फंड जो है वो ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है वन टाइम में। नेक्स्ट टाइम जब आप SIP करने जाएंगे ना, ये बिलर का झंझट ही नहीं रहेगा, जितने की SIP आपने की है उतने का कमांड वो जो है आपके बैंक अकाउंट को भेजेंगे और वहां से पैसे आपके कट करके म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएंगे। इसको बोलते हैं OTM, वन टाइम मैंडेट। अच्छा, मेरे को यहां पर पूछा इन्होंने कि OTM बंद हो गया क्या, तो यहां पर सभी म्यूचुअल फंड ने OTM शुरू ही नहीं किया था। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, यहां पर HDFC के साथ में मैंने OTM की कर रखा है, पहले भी वीडियो बना के दिखाया है और SBI के साथ में भी दिखाया है, 1-2 म्यूचुअल फंड और हैं, बाकियों में तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया सुमन जी की तरफ से। यहाँ पे सुमन जी मुझसे पूछते हैं, आई एम ए स्टूडेंट 23 ईयर्स ओल्ड, आई हैव 1500 पर मंथ, प्लीज प्रोवाइड मी बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर नेक्स्ट 35 ईयर। तो नेक्स्ट 35 ईयर बहुत होता है, यहाँ पर स्टूडेंट को मैंने हमेशा मिड कैप टाइप के फंड के साथ में जाने की रिकमेंडेशन दी है। जी हाँ, मिड कैप 35 साल में तो आपको करोड़पति बना देगा, कोई डाउट नहीं है। आप ये 1500 रुपये निवेश कर रहे हो ना, आपके पास कम से कम मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ रुपए बनने चाहिए, ऊपर ही बनेंगे। SIP कैलकुलेटर में मारना पड़ेगा क्योंकि दिमाग पे बहुत वर्कलोड होता है, एक्यूरेट इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकता, लेकिन 2.5 करोड़ तो आप पार करोगे ही करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ट्राई कर लीजिएगा, 1500 रुपए अगर आप निवेश करते हो ना किसी अच्छे मिड कैप के साथ में, तो आप 2.5 करोड़ रुपए पार करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरे ख्याल से आपको अच्छे मिड कैप के साथ में जाना चाहिए। मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखिए, मिड कैप के ऊपर मैंने बनाई है, बेस्ट मिड कैप फंड आपको रिकमेंड किए हैं, और गिरते मार्केट में कौन से मिड कैप अच्छे चढ़ते हैं वो भी मैंने आप वीडियो बनाया है। तो जाइए एक बार चैनल को, वहां पर स्क्रॉल करके पूरी वीडियोस देखिए, आपको आपके काम की बहुत सारी वीडियो वहां पर मिलेंगी। लेते हैं आप अगला क्वेश्चन आया है कमीने जी की तरफ से। तो यहां पर माफ कीजिएगा, इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, इनका नाम जो है चैनल का होगा, आई थिंक नाम तो किसी का कमीना नहीं होता है, बट यहां पर चैनल का नाम जो है वो हो सकता है, तो माफ कीजिएगा थोड़ा सा फनी हो गया। आपको ऐसा बोलने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है मेरा। यहां पर इन्होंने मुझसे पूछा है, गुरुजी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, ओके, कैश में पेमेंट मिलता है, उनके पास बैंक का कोई प्रूफ नहीं होता है, उनके इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी हो क्योंकि सब बैंक रिकॉर्ड या RTR मांगते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर आप टर्म प्लान लेने की सोच रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर RTR जो है वो फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न का जो आपके पास प्रूफ है ना वो सबमिट करना ही पड़ेगा। आप अगर इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद की कोई छोटी सी दुकान है जिनके पास पूरी इनकम जो है वो कैश में होती है या फिर उनके डायरेक्ट पेटीएम में होती है, जिस तरह से भी होती है, कोई सैलरीड नहीं है, तो ऐसे लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। जी हाँ, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता है आपको, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, कभी भी यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकता है। जी हाँ, आप कभी भी धरे जा सकते हो। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं इनकम कर रहा हूँ किसी को नहीं पता चल रहा है,
क्या जाता है, 1 लाख रुपए के ऊपर 5,000 अगर हमने दे भी दिया देश की तरक्की में, तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं जाता है। एक दिल की बात बताऊं, दिल से बोल रहा हूं, शायद आपको मेरी आंखों में चेहरे पर झलक भी रहा होगा, कोई मुझसे बोले ना तुम मेरे को अपने 1 साल की पेमेंट दे दो, हम हिंदुस्तान के अंदर F-35 अमरीका का F-35 जैसा फाइटर प्लेन बना रहे हैं तो मैं दे दूंगा। अभी मुझसे कोई ऐसा बोले मैं अभी आपके उनके बैंक अकाउंट में भेज दूंगा, मेरी जितनी भी औकात है वो सारे पैसे मैं उनको भेज दूंगा। देखिए, देश की तरक्की में अगर हम 4-5 हज़ार रुपये दे देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बहुत फक्र होता है अपने ऊपर कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, अपना कॉलर जो है वो ऊपर होता है और हम शान से बोलते हैं आई एम द टैक्स पेयर। ओके, तो मेरे ख्याल से आपका अगर टैक्स बनता है तो सिंपली किसी यहाँ पर सीए को पकड़िए और आप छोटा सा जो भी आपका टैक्स बनता है दे दीजिए, RTI यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न आपको मिल जाएगा और फॉर्म ले जाके सबमिट कर दीजिए, आपका जो है यहाँ पर जो आप ये टर्म प्लान लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, सिंपल। लेते हैं आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हर्ष वर्मा जी की तरफ से। हर्ष वर्मा जी बोलते हैं, सर प्लीज टेल मी अबाउट द स्टेपअप SIP। स्टेपअप SIP बहुत दिनों बाद मेरे सामने यहाँ पर निकल के आया है, स्टेपअप SIP के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। होता यह है जो नॉर्मल SIP आप करते हैं ना, 1,000 रुपए की आपने कर दी, वो हजार कटती जाती है, अगर आप वहां पर स्टेपअप SIP करते हैं तो वो क्या होता है, स्टेप क्या होता है, स्टेप मतलब ऊपर की तरफ स्टेप लेना, यहां पर स्टेप अप हो रहा है, तो आपकी जो SIP का अमाउंट है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होने के जो प्रोसीजर है ना उसी को स्टेप अप SIP बोलते हैं। वहां पे SIP रजिस्टर करते समय ये फीचर आता है, एक दो वीडियो में मैंने समझाया है कैसे होता है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो कमेंट्स करिएगा, अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको स्टेप अप SIP वाला वो फीचर मिलता है, कैसे आप ऐड कर सकते हैं। 1,000 रुपए की एग्जांपल के लिए SIP चल रही है तो यहां पर अगर आप उसमें चाहते हैं कि हर साल 500 रुपए ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाए तो उसी को स्टेप अप SIP बोलते हैं, और वहां पर हर साल आपका जो है वहां पर 500 रुपए बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से कई लोग स्टेप अप SIP लेते हैं, कई लोग नहीं लेते हैं, कई लोग खुद से मॉडिफाई करते हैं, कुछ लोग स्टेप अप SIP लेते हैं, वैसे स्टेप अप SIP बेस्ट है, ले सकते हैं आप, ठीक है। और लमसम से ज्यादा कंसिडर करिए आप SIP के ऊपर। ओके, यहां पर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया संग्राम जी की तरफ से। संग्राम जी पूछते हैं, भाई इफ वी इन्वेस्ट मोर देन 24,000 रुपीज वी नीड टू पे एवरी मंथ 50 रुपीज टू ज़रदा क्वाइन, इज इट गुड, इट इफ नॉट गुड Why you suggest people to invest in Zerodha app? We have more app which we can invest in a specific mutual fund up to 50,000. तो यहाँ पर इन्होंने मुझसे पूछा है कि अगर मैं जो है 24,000 रुपये निवेश करता हूँ तो यहाँ पर Zerodha coin जो है वो 50 रुपीज चार्ज करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक बार फिर से जा करके रिव्यू कर लीजिए, कस्टमर केयर में बात कर लीजिए और थोड़ा फिर से एक बार चेक कर लीजिए। मेरी जहाँ तक नॉलेज है वहाँ पर Zerodha Coin ने पैसे लेने जो हैं वो बंद कर दिए हैं। अगर पैसे लिए जा रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरी रिसर्च स्टडी एनालिसिस के हिसाब से Zerodha Coin फिलहाल कोई भी पैसे आपसे नहीं ले रही है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड कर रही है अनलिमिटेड अमाउंट के ऊपर। अगर पैसे लिए जा रहे हैं तो मुझे आप लोग कमेंट्स करिएगा, जो लोग ये बात जानते हैं उस वेबसाइट की लिंक भी मुझे सेंड करिएगा, वो सारी चीज़ें रिसर्च करके इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर दूंगा। वैसे मेरी नॉलेज के हिसाब से ऐसी कोई पेमेंट नहीं ली जा रही है, कल या परसों ही मैंने इसके ऊपर Zerodha वालों से बात करी थी और मैंने उनकी वेबसाइट भी चेक करी, मुझे ऐसी कोई भी पॉलिसी जो है वो नहीं दिखी, तो मुझे ऐसा कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिला। तो अगर आपको मिला है तो मुझे प्लीज सेंड करिएगा, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आपको बनाकर दूंगा। लेते हैं आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है अमित नेगी जी की तरफ से। अमित नेगी जी बोलते हैं, वेरी गुड, तो थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या हम 2 टर्म प्लान खरीद सकते हैं, एक मदर के को नॉमिनी बना के एंड 1 वाइफ को नॉमिनी बना के। तो यहां पर ये बोलना चाहते हैं कि क्या हम 2 टर्म प्लान खरीद सकते हैं, एक में वाइफ को नॉमिनी बनाया जाए और एक में मदर को नॉमिनी बनाया जाए। तो सबसे पहले तो इनकी सोच को सैल्यूट है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, ज्यादातर लोग अपनी वाइफ के चक्कर में फंस के मां बाप को छोड़ देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग होते हैं, आप लोग गुस्सा मत हो जाइएगा, यहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मां बाप को साइड कर देते हैं, वाइफ को ही सब कुछ समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। मां बाप को भी उतनी ही प्योरिटी दीजिए, और उतनी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा दीजिए जितना आप अपने परिवार को, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको जन्म दिया है, यही सबसे बड़ा और परोपकार है कि हमको धरती पर लेकर आए हैं। तो यहां पर हम उनके पालन पोषण की वजह से इस लायक हैं कि आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूं, आप जाकर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनका शुक्रिया करना बिल्कुल मत भूलिए, कि उनको हमेशा इज्जत रिस्पेक्ट दीजिए। तो यहां पर आपको मैं बोलना
चाहूंगा आपके लिए मेरे पास एक सिंपल सा सोल्यूशन है। आप ना 50 लाख का इंश्योरेंस मत लीजिएगा, आप लीजिएगा 1 करोड़ का, बेशक थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़े, और यहां पर एक ही टर्म प्लान में 2 नॉमिनी ऐड कर दीजिएगा। जी हां, यहां पर एक ही प्लान के अंदर 4-4, 5-5 नॉमिनी आप ऐड कर सकते हैं। यहां पर फर्स्ट मंथ टर्म प्लान शुरू होने के फर्स्ट मंथ तक आप जो है फर्स्ट नॉमिनी रहेगा, उसके तुरंत बाद आप सेकंड नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर वाइफ को और मदर को दोनों को एक ही प्लान के अंदर ऐड कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो दोनों अलग अलग भी आप बाइक कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ऐसा करने की नहीं रहेगी, क्योंकि दोबारा आप मेडिकल कराते रहो, दुनिया भर की चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन करो। मेरे ख्याल से एक अच्छा सा टर्म प्लान लो, बड़ा वाला 1 करोड़ वाला, और वहां पे 50 लाख वाइफ के नाम पे, 50 लाख मदर के नाम पे, या फिर जितना आप बांटना चाहते हो अपने हिसाब से कर लो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्यार से एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, तभी फंड गुरुजी की हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।